अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल है बच्चों आप सबका? ऑनलाइन क्लास में हमारा नाज़रा का लेसन है। सारे बच्चे अपना पहला पारा लेकर बैठे, और जब भी हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमें वुज़ू बना लेना चाहिए और सर पर टोपी पहनकर पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, पहला पारा खोलें। इसका सफ़ा नंबर 5 है और हमारी आयत नंबर है 8, 9 और 10। आज हम 3 आयात पढ़ेंगे। जी शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين। जब आयत ख़त्म होती है तो बिमोमिनीना नहीं पढ़ेंगे हम, वक्फ़ करेंगे बिमोमिनीन। युहादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनु। यहाँ भी देखें आगे छोटी सी जीम बनी हुई है, यानी कि हम अगर वक्फ़ करेंगे तो आमनु। वामा युहादिऊना इल्ला अन्फुसहुम वमा यशउरून। अब देखें बच्चों, इल्ला यहाँ पे छोटी सी ऊपर मद है, जब हम जिस लफ्ज़ पर मद हो वहाँ उसको लंबा करते हैं। इल्ला अन्फुसहुम वमा यशउरून, यहाँ भी वक्फ आ गया तो हम यशउरून पढ़ेंगे, यशउरूना नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून। जी एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं। वमिनन्नासी मन यकूलू आमन्ना बिल्लाही वबिल योमिल आहिरी वमा हुम बिमुमिनीन युहादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनु वमा यहदऊन इल्ला अन्फुसहुम वमा यशउरून फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून। बच्चों आपने जब भी ये इसकी दोहराई करनी है तो वीडियो को बार बार देखना है और साथ साथ इसके लफ्ज़ को सही तरह अदा करना है और अच्छी तरह याद करना है। जी अब दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।